आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी डिपार्टमेंट अभी 17-18 के आपको नोटिसेस भेज रहा है, 17-5 के। 30 सितंबर से पहले ये बहुत नोटिसेस आए। अब मुद्दा ये है, ये नोटिसेस 18-19 में भी आएंगे, 19-20 में भी आएंगे, तो ये 17-5 के मुद्दे को एक बार समझ ही लेते हैं कि भैया 17-5 के मुद्दे पर हमारे को नोटिस आ क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर जरा इस बात को ध्यान से समझना कि अगस्त 2017 में किसी व्यक्ति ने कोई गुड्स या सर्विस परचेज करी और नोटिस आ रहा है 2023 में कि भाई आप उसका ITC जो आपने लिया है वो रिवर्स कर दो। अगर ITC का अमाउंट देखोगे तो एक एक बिल पर ITC का जो अमाउंट है वो 1000 रुपये भी है, और 1000 रुपये जो आपको रिवर्स करने को कह रहे हैं वो 892 रुपये रिवर्स करने को कह रहे हैं, और वो 5 सालों बाद कह रहे हैं, 6 सालों बाद कह रहे हैं, 6 साल से भी ज़्यादा समय के बाद कह रहे हैं, और उस पर 100% का इंटरेस्ट लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि ये गलती किसकी है, ये क्या गलती असैसी की है, क्या गलती उसके प्रोफेशनल की है कि जिसने अगस्त 2017 में ITC लिया था, क्या क्लाइंट के कहने पर लिया था या उसने अपनी समझ से लिया था, या ये गलती डिपार्टमेंट की है कि 6 साल बाद आप एक ऐसा ITC रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स करा रहे हो जिसे 6 साल पहले लिया था, और 100% ब्याज मांग रहे हो आप उस पर। अब कई केसेस में तो ऐसा भी है कि GSTR 9C भरी हुई है, टैक्स ऑडिट हो रखा है। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट को करा, 9C को फाइल करा, और उन्होंने भी नहीं बताया कि भाई ये 17-5 का ITC रिवर्स करना बनता है। अगर वो बता देते 2020 में 2019 में तो हम इसे रिवर्स कर देते, तो इंटरेस्ट इतना नहीं आता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये ITC रिवर्स नहीं करना चाहिए, अभी हम सेक्शन को पढ़ेंगे कि रिवर्स क्यों करा रहे हैं डिपार्टमेंट वाले ये वाला ITC। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन देना चाहिए इस तरह के ITC में या नहीं, कि भाई इंटरेस्ट आप मत दो या इंटरेस्ट आप कम दो। हाँ, गवर्नमेंट का नुकसान होगा क्योंकि हमने गवर्नमेंट का पैसा यूज करा है, नुकसान होगा गवर्नमेंट का, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर असैसी को भी तो दिक्कत है। अब ITC किस किस का रिवर्स करने को कह रहे हैं आप 17-5 के अंदर? आयरन स्टील का, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स का, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नोटिसेज में डिफरेंट डिफरेंट ITC को रिवर्स करने की बात हो रही है। तो जिस क्लोज में रिवर्स करने को कह रहे हैं, क्या आपने वो क्लोज कभी पढ़ी है? तो उस क्लोज को पढ़ो, वो क्लोज है 17-5C और 17-5D। ये क्लोज क्या कहती है? ये कहती है कि भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली, अगर आपने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली तो हम आपको उसका ITC नहीं देंगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेक्शन 2 में डिफाइन है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अभी दिवाली आ रही है, आपने अपने घर में किसी को वाइट वॉश करने का ठेका दे दिया, आपने अपने ऑफिस में वाइट वॉश का ठेका दे दिया कि मटेरियल भी तुम्हारा, और मटेरियल के साथ साथ लेबर भी तुम्हारी, तो इसे हमने बोला वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कि भाई ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। टाइल लगाने का ठेका दे दिया, रिपेयर का दे दिया, रेनोवेशन का दे दिया, फर्नीचर बनवा लिया, इस तरह का काम होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अब इसे ब्लॉक क्यों किया डिपार्टमेंट ने? भाई इसे ब्लॉक करने के पीछे उद्देश्य ये था कि ये सारे काम जर्नली लोग बाग अपने घरों में कराते हैं, तो जब ये लोग अपने घरों में कराते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कपिल जैन का एक घर है, एक ऑफिस है, कपिल जैन वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हो घर में, कपिल जैन वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हो घर के लिए, और उसका खर्चा उसके बिल ले रहा हो ऑफिस के लिए, तो भाई इसलिए इसे 17-5 में ब्लॉक कराया गया। लेकिन केस दूसरा भी तो हो सकता है, केस दूसरा ये भी तो हो सकता है कि वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस
कपिल जैन ने अपने बिजनेस पर्पज के लिए ही ली हो, और अगर उसे बिजनेस पर्पज के लिए लेकर पीएनएल में डेबिट करा हो तो उसे तो आईटीसी मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जो नोटिस आ रहे हैं इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के इसलिए आ रहे हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जर्नली डिपार्टमेंट का ये मानना है कि भाई ये व्यक्ति ने जो कर रखा है अपने किस पर्पज के लिए ले रखा है, पर्सनल पर्पज के लिए। अगर मैं बात करूं इन दो क्लोजेस को लेकर, ठीक है ना, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। अगर आपको केस लो नहीं पता है तो आप नोट कर ले, सफारी रिट्रीट का केस लो, जहां पर इसी मुद्दे पर लड़ाई हो रही है कि आईटीसी मिले या आईटीसी ना मिले। तो ये जो 17(5)(c) में आईटीसी ब्लॉक है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, तो अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि डी में किस चीज़ का ब्लॉक है सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह का करते हैं। ये कहते हैं भाई तुमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ली, लेकिन तुम हार्डवेयर की दुकान से, तुम हार्डवेयर की दुकान से कोई गुड्स परचेज करके लिया है, ठीक है। किस तरह के गुड्स, जो आप अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, अपने घर में टाइलें परचेज करके लिया है, अपने घर में, ठीक है ना, मान लो तुम्हारी सेंटेक्स खराब हो गई वो परचेज करके लिया है, या आप बिजली की फिटिंग के लिए सामान लेकर आ गए। तो इसे हमने 17(5)(d) क्लोज में ब्लॉक कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है, कपिल जैन को उनके दोस्त का फ़ोन आता है, उनका एक दोस्त है, ठीक है, बिन्नू भाई, ठीक है ना, वो अपना घर बना रहे। अब जैसे ही वो दुकान पर सामान लेने गए, तो सामान लेने गए, दुकानदार ने उन्हें समझा दिया कि यार तुम्हारे को जो 50,000 का बिल है सामान का, अगर जीएसटी नंबर तुम्हारे पे किसी का हो तो उसके जीएसटी पे ये बिल डलवा दो। अब उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा दुकानदार ऐसे ऐसे कह रहा है, तुम एक जीएसटी एक्सपर्ट हो, किसी का जीएसटी नंबर दे दो, और ये कह रहा है आईटीसी मिल जाएगा। अरे भाई यहाँ पर दुकानदार को भी समझना चाहिए कि भाई वो जब भी कोई बिल इशू कर रहे हैं उन्हें ये बताना चाहिए, भाई ये तुम्हारी पर्सनल कंजम्पशन है, ये बिजनेस पर्पज नहीं है, तो हम इसका आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये प्रोफेशनल्स को भी समझाना चाहिए अपने क्लाइंट्स को कि भाई ये वाला जो आईटीसी है 17(5)(c) और (d) में ब्लॉक है, तो इसका आईटीसी लेने से पहले ही सोच लें। तो 17(5)(c) और (d) में बड़ी लड़ाई है। 17(5)(c) में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आती है, 17(5)(d) में गुड्स और सर्विस आते हैं, ठीक है ना, जो आप किसी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब क्या होता है, डिपार्टमेंट कई बार नोटिस इशू करते समय वो कहता भाई जो ये एसी खरीदा तुमने, अब जो ये एसी खरीदा तुमने ये भी तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगा है, तो 17(5)(d) में ब्लॉक कर देते। अरे भाई आप बताओ, मैंने एसी खरीदा, मेरा मान लो, ठीक है ना, विंडो एसी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में थोड़ी लगा, उसे तो मैं कहीं भी ले जाऊँ, वो तो मेरी फिक्स असेट्स है, और फिक्स असेट्स पे तो आईटीसी मिलता है, वो यहाँ पर 17(5)(c) और (d) में ब्लॉक क्यों है। तो मेरे हिसाब से मुझे उस पर आईटीसी मिलना चाहिए। सर अगर हमने स्प्लिट एसी खरीदा क्या उस पर मिलना चाहिए, मैंने कहा हाँ उस पर भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसे हटा कर ले जा सकते हैं कहीं भी। अब फिर अगला मुद्दा आया, सर एक सेंट्रलाइज एसी होता है उस पर मिलना चाहिए, मैंने कहा भाई सेंट्रलाइज एसी इसलिए मैंने कभी अपने लगवाया ही नहीं घर में ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी को लेकर डिस्प्यूट है कि भाई ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया है, तो भाई इस वाले में आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसे ही लेकर लिफ्ट का मुद्दा है, ऐसे ही फर्नीचर का मुद्दा है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का मुद्दा है। तो जब आपको इस तरह के नोटिस आए, आप उन बिलों को चेक करें जिन बिलों पर आपने आईटीसी लिया है, और ये चेक करें कि उस पर क्या लैंग्वेज लिखी है, और ये भी चेक करें कि आपने पीएनएल में डेबिट किए हैं या नहीं किए। और अगर वो 17(5) के दायरे में आते हैं सी और डी क्लोज में, तभी वो ब्लॉक होंगे, और अगर उनका दायरा 17(5)(c) और (d) का नहीं है तो वो ब्लॉक नहीं है। आप उसका रिप्लाई दें, उसका आईटीसी आपको मिलेगा। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट से अनुरोध है, मेरा हर प्रोफेशनल से अनुरोध है, मेरा असेसी से अनुरोध है, मेरा जो ये इन चीज़ों में डील करते हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ी अवेयरनेस भी फैलाएं। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि भाई मेरा बिल मेरा अधिकार, सब चीज़ों के बिल लो, ठीक है ना, सब चीज़ों के बिल ले लो, हाँ बिल ले लिया हमने, तो थोड़ी अवेयरनेस तो बताओ कि भाई इनका आईटीसी ना ले, ठीक है ना, जिसका मिल सकता है वही ले।
अब कई बार क्या होता है सैसी, 2017 में 2018 में मैंने उसे बोला भाई इसका ITC मत लो, कह रहे बाद में देखेंगे। अब बाद में देखते रहो, 100% का इंटरेस्ट लग गया। और बहुत सारे केसों में तो कंसल्टेंट ही चेंज हो गया, प्रोफेशनली चेंज हो गया, ठीक है जी। और ये ऐसे कह देता है भाई उसने ले लिया, मुझे क्या पता। तो भाई जब आप किसी की 9C कर रहे हो, किसी का टैक्स ऑडिट कर रहे हो, तो आप वहाँ पर भी उन्हें बता दे कि भाई ये वाला जो आपने ITC लिया हुआ है इसमें रिस्क है, ठीक है ना। आपके कहने पर ITC ले रहे हैं तो इसमें रिस्क है, रिटर्न भरते समय ही बता दो कि इसका मिलता नहीं है, क्योंकि तुमने पर्सनल आइटम खरीदी है। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति क्या कर रहा है, खरीद रहा है पर्सनल आइटम, डाल दे रहा है बिजनेस में, तो बाद में जाकर 17-5 का नोटिस आ सकता है। किस किस को नहीं आ सकता वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये हमने पहले भी वीडियो में बताया था, अब भी। वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ। अगर ये पूरा डिटेल में सीखना चाहते हो तो GST का फुल कोर्स है हमारे ऐप पर। सिर्फ क्या करना है, मेट्रो में जा रहे हो, अपना टाइम पास नहीं हो रहा, उस ऐप को खोल लेना है, उसमें कोई सा भी कोर्स परचेज कर लेना है और कोर्स को परचेज करके सुन लेना, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। तो अभी ऐप डाउनलोड करो, कोर्स परचेज करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और इस तरह के नोटिस का रिप्लाई आप कर सकते हो। समझे मेरी बात? हाँ सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।